सोलो गाइज मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम हैं आपके लिए फिर से दो नए स्मार्टफोन का कंपैरिजन वीडियो, जो कि है हमारा लेटेस्ट मॉडल वीवो का वीवो V20 और ओप्पो का न्यू लॉन्चिंग मॉडल ओप्पो रेनो 11 प्रो का कंपैरिजन वीडियो। कंपैरिजन वीडियो दोनों इस फोन का इसलिए बनता है दोस्तों, क्योंकि दोनों सेम प्राइस में आते हैं और हमेशा जो कंज्यूमर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं दोस्तों, हमेशा ही दोनों ब्रांड में कन्फ्यूज रहते हैं कि ओप्पो लें या वीवो लें। दोस्तों आज दोनों कन्फ्यूजन का हम उसको आपको दूर करेंगे और बताएंगे कौन सा फोन आपके लिए बेहतर रहेगा और कौन फोन में कौन से ज़्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहने के शुक्रिया और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारे हाथ में दोनों स्मार्टफोन का फ़ोन, जो कि आपको राइट हैंड साइड में हमारा है ओप्पो का रेनो 11 प्रो, जो कि आपको लेटेस्ट मॉडल आपको आया है। ये कुछ महीने लॉन्च हुआ था, दो ढाई महीने पहले दोस्तों। ये है वीवो V29 प्रो का लुक एंड डिज़ाइन। तो दोनों में से बेहतर लुक आपको कौन सा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे तो पर्सनली वीवो का V29 प्रो का कैमरा मॉड्यूल और जो आपका इसका जो डिज़ाइन है मुझे ज़्यादा पर्सनली अच्छा लग रहा है दोस्तों। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिजिकल ओवरव्यू की बात की जाए तो दोनों स्मार्टफोन के ऊपर की साइड में सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाता है। एक चीज प्लस पॉइंट है दोस्तों ओप्पो के में, यहाँ आपको आयर ब्लास्टर मिल जाता है, जो कि आपको एसी रिमोट आप यूज कर सकते हैं। आप टीवी यूज का जब मान लो बैटरी उटरी नहीं है तो आयर ब्लास्टर आपको इसमें दिया हुआ है। दोनों स्मार्टफोन के राइट हैंड साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन और पावर बटन मिल जाता है दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। नीचे की साइड में स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पे सिम स्लॉट आपको मिल जाता है दोस्तों, जहाँ की आपको दो सिम के बाद वैसे ही मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। और फिजिकल ओवरव्यू भी इतना ही। कैमरा ओवरव्यू दोनों में ट्रिपल कैमरा का स्लॉट मिल जाता है, जो कैमरा की बातें हम आपके आगे करेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों फाइनली डिस्प्ले की तरफ, जो कंपनी ने आपको दोनों ही फोन में स्क्रीन साइज की बात किया है तो सिमिलर है दोस्तों। 6.78 इंच के साथ 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है दोस्तों, जो कि टच रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट एंड स्मूथ है दोस्तों। दोनों ही फोन में डिस्प्ले की बात किया जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। वहीं पे आपको रेजुलेशन की बात किया जाए, डिस्प्ले के पीक ब्राइटनेस की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। तो यहीं पे आपको ओप्पो के रेनो 11 प्रो में जो मिलता है दोस्तों, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 950 का पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाता है दोस्तों। वहीं वीवो की बात की जाए तो यहाँ पर 1300 नीट का पीक ब्राइटनेस आपको मिल जा रहा है दोस्तों, जो कि आउटडोर विजिबिलिटी और आपको जो वीडियो का जो एक्सपीरियंस रहेगा वीवो में ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। वहीं पे आपको दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए आपको डिस्प्ले रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पे 1K डिस्प्ले आपको मिल जाता है दोस्तों। वहीं वीवो में बात किया है दोस्तों तो यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों, जैसा कि आपको हम बताते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों वीवो में जाने के बाद यहाँ 1.5K का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में कोई फ़ोन आपको नहीं दे रहा है। आपको 1.5K यहाँ 1K डिस्प्ले आपको मिल जाता है, तो डिस्प्ले के मामले में आपको यहाँ पे वीवो आके निकल के आता है दोस्तों। वहीं आपको दोनों ही फ़ोन में सिंगल स्पीकर वर्क करता है, दोनों ही फ़ोन में आपको स्पीकर का आपको नहीं मिलता दोस्तों। और वहीं पर आपको डिस्प्ले की बात की जाती है, दोनों में 4K में वीडियो HDR10 सपोर्ट करता है, सारा चीज सेम है आपको दोस्तों। प्लस यहाँ आपको यहाँ पे हार्डवेयर बेट्स की बात किया जाए दोस्तों, तो दोनों ही फ़ोन में जो प्रोसेसर मिल जाता है, जो दोनों ही फ़ोन में सेम है दोस्तों, डायमेंसिटी 8280 सब प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है इस प्राइस सेगमेंट में दोस्तों। यहाँ पे आपको 3.1 GHz का क्लॉक स्पीड आपको मिल जाता है दोस्तों। और फ़र्क दोस्तों इस फ़ोन में दोनों फ़ोन में इतना है कि आपको ये 40,000 में 12GB 256GB वेरियंट के साथ एक ही वेरियंट के साथ आता है। वहीं पर आपको वीवो V29 Pro में दो वेरियंट आता है, 12/256 इसका 43,900 में आता है, और यहाँ पे 8GB RAM 256GB इंटरनल दोस्तों यहाँ पे 40,000 में आता है, तो रैम का फ़र्क रहेगा दोस्तों। वहीं पे सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 14 मिल जाता है, जो कि आपको ओप्पो में मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर वीवो में देखा जाता है दोस्तों, यहाँ पर अभी भी 13 पे है दोस्तों, यहाँ पे 14 में अपडेट आपको मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन में 3-4 साल का सिक्योरिटी अपडेट एंड्रॉयड अपडेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसमें चीज़ भी आपको दिक्कत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल है, इसी मंथ का लॉन्चिंग मॉडल है दोस्तों, तो ओप्पो में आपको 14 मिल जाता है और यहाँ पे 13 मिल जाता है दोस्तों। वहीं पे कैमरा की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दोनों ही फ़ोन में पंगा होने वाला है दोस्तों। कैमरा क्वालिटी की बात किया जाए तो आपको दोनों में मेगा पिक्सल के बताते हैं। यहाँ पे आपको ओप्पो वीवो में दोस्तों 50 MP मेन कैमरा है और आपको 12 MP का आपको पोर्टल लेंस आपको दिया है और 8 MP का वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है दोस्तों। तो वहीं पे आपको ओप्पो में आपको 50 MP का यहाँ भी आपको मेन कैमरा मिल जाता है,
32 मेगापिक्सल का जूमिंग लेंस आपको मिल जाता है टेलीफोटो लेंस, और वहीं पे आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा में दोस्तों 32 मेगापिक्सल का ओप्पो में, और वीवो में दोस्तों 50 मेगापिक्सल कैमरा है। तो कैमरा मेगापिक्सल पे डिपेंड करता है या नहीं दोस्तों, वो आपको अब चीज़ बताएंगे। दोस्तों एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दोनों फ़ोन में यहाँ पे सिंगल फ्लैश लाइट है, यहाँ पे डुअल फ्लैश लाइट है, यहाँ पे रिंग लाइट आपको दिया है। तो ओप्पो में एक एडवांटेज क्या है कि फोटोग्राफी में आप जाएँ तो आप इसका ये जो फ्लैश लाइट का जो कलर है दोस्तों, आप इसको आप चेंज कर सकते हैं, जो कि डे लाइफ में आपको दोस्तों पता चला इसमें कलर भी चेंज होता है। यूजिंग इंस्ट्रक्शन हिसाब से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं दोस्तों, वो आपको आप बाद में दिखाएंगे दोस्तों। हमने कुछ सैंपल वगैरह पहले ही फ़ोन में आपको खींच समझे थे दोस्तों, तो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी आपको दिखाते हैं। वहीं फ्रंट कैमरा की बात किया दोस्तों, शुरुआत करते हैं फ्रंट कैमरा से। तो दोनों ही फ़ोन में आपको नॉर्मल मोड में खींचा हुआ है, आपको यहाँ पे दोस्तों फोटोग्राफी कर सकते हैं। डिटेलिंग के मामलों में भी दिया जाता है दोस्तों, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको वाइड एंगल कैमरा मोड खींचा हुआ है। कैमरा क्वालिटी दोनों ही फ़ोन में ऐसे डिफरेंस है दोस्तों, कैमरा मॉड्यूल में कैमरा को डिटेल्स में थोड़ा दोनों ही फ़ोन में सेम है, लेकिन डिस्प्ले के पिक ब्राइटनेस और डिस्प्ले के क्वालिटी के कारण वीवो में आपको डिटेलिंग ज़्यादा निकल के आ जाता है दोस्तों। वहीं पर आपको 2x जूम करने के बाद दोनों में डिटेलिंग आप देख लीजिए दोस्तों, और वहीं पर पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो खींचा है फ्रंट कैमरा से, डिटेलिंग दोनों ही फ़ोन में ज़बरदस्त मिल के आता है दोस्तों। जैसा कि हम आपको फोटो खींच के दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको दोनों ही फ़ोन के वाइड एंगल कैमरा से 8 मेगापिक्सल के फोटो खींच के आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। वाइड एंगल कैमरा कुछ खास नहीं है दोस्तों, दोनों ही फ़ोन का कैमरा क्वालिटी में डिटेलिंग में दोनों में आपको फ़र्क छोड़ रहा है दोस्तों। वहीं पे आपको नॉर्मल मोड में दोनों ही फ़ोन के कैमरा क्वालिटी में फ़र्क है दोस्तों, थोड़ा सा डिटेलिंग के मामले में ओप्पो का फ़ोन के ज़बरदस्त क्वालिटी पर निखर के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शार्पनेस और एजेस थोड़ा सा ज़्यादा नज़र के आ रहा है वीवो के फ़ोन से। तो मुझे तो नॉर्मल मोड में ओप्पो के फ़ोन में डिटेलिंग कैमरा क्वालिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है दोस्तों। आपको कुछ फ़ोन में कैमरा क्वालिटी नज़र आ रहा है दोस्तों, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक ही खास बात दोस्तों, यहाँ पे आप नॉर्मल मोड में आप यहाँ पे 5x जूम पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, जो कि वीवो फ़ोन में नहीं मिलता है। वहीं पे आपको पोर्ट्रेट मोड की बात किया है दोस्तों, तो यहाँ पे वीवो का हाथ पकड़ना किसी ब्रांड की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे वीवो में कैमरा क्वालिटी में आपको पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो में डिफरेंस आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे डिटेलिंग मामले और कैमरा का जो कलर क्वालिटी है, फेस का जो कलर क्वालिटी है दोस्तों, दोनों फ़ोन में फ़र्क देख लीजिए दोस्तों। वहीं पे आपको दोनों ही फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड में 2x जूम पे खींचने के बाद कैमरा क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपको दोनों में से कौन सा बेहतर लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये हमने दोनों ही फ़ोन के यह घास जो रखा हुआ है, दोनों फ़ोन के कैमरा क्वालिटी हमने खींचा हुआ है। तो कैमरा क्वालिटी में कलर्स के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे आपको ओप्पो का फ़ोन बेहतर कलर निखर के आ रहा है, वहीं पर थोड़ा सा आपको वीवो फ़ोन में थोड़ा सा येलो स्टोन निखर के आ रहा है दोस्तों। ये आपके सामने दोस्तों, कैमरा क्वालिटी किसका बेहतर लग रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो बताइए। यहाँ हमने आपको नॉर्मल मोड में जूम करने के बाद फोटो खींचा दोस्तों, और जूमिंग से याद है दोस्तों, यहाँ आपको लाइव है, आपको जूम करके फोटो क्लिक करके दिखाते हैं दोस्तों कि किस फ़ोन का जूमिंग कैपेसिटी ज़्यादा बेहतर निखर के सामने आ रहा है दोस्तों। तो दोनों ही फ़ोन हमने 20x जूम पे फोटो खींच रहे हैं दोस्तों। तो जूमिंग के मामले में दोस्तों, ओप्पो का फ़ोन का कैमरा क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप सामने में देख पा रहे हैं दोस्तों। आपको कौन सा फ़ोन का कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छा लग रहा है जूमिंग के मामले में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं पे आपको वीडियो रेजोल्यूशन की बात की जाए, दोनों ही फ़ोन में बैक कैमरा में और 4K का सपोर्ट मिलता है दोस्तों, लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों ही फ़ोन में ओप्पो के फ़ोन में 4K में 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वीवो में एक एडवांटेज है दोस्तों, 4K में 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1080 में 60 है, और यहाँ पे भी ओप्पो के फ़ोन में 1080 में 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों ही फ़ोन में OIS का सपोर्ट मिल जाता है, कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको मिलेगा दोस्तों। वहीं फ्रंट कैमरा की बात किया जाए दोस्तों, तो दोनों ही फ़ोन में 4K का सपोर्ट फ्रंट एंड बैक कैमरा मिलता है, और यहाँ पे फ्रंट कैमरा में यहाँ पे अगेन आपको 4K में 30 FPS सपोर्ट आपको मिलता है। यहाँ वीवो के में एडवांटेज ये है कि 4K में 60 FPS पे सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको दोनों ही फ़ोन में प्रोसेसर सेम है दोस्तों, डायमेंसिटी 8200 जो कि कैपेबल है 4K में 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग करने का टाइम, और ये पता नहीं ओप्पो के फ़ोन में ये डिसएडवांटेज मुझे क्यों लग रहा है दोस्तों। और वीडियो रिलेशन के टाइम आप बैक कैमरा से और फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि दोनों ही फ़ोन में बेहतर निकल के आपको सामने नज़र आता है दोस्तों। आपको किस फ़ोन का कैमरा क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओप्पो में एक एडवांटेज है दोस्तों कि वीडियो रेजोल्यूशन में आप लोग यहाँ पे
बैक कैमरा में फ्लेयर पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि आपको वीवो में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। और कैमरा क्वालिटी के वीडियो में आपको यहाँ पे ढेर सारे मोड मिल जाते हैं, जो कि वीडियो वीवो में थोड़ा सा मिसिंग है दोस्तों। मुझे तो पर्सनली इसका फ्लेयर पोर्ट्रेट वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फ्लेयर पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, जो बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर करता है। तो थोड़ा सा यूनिक आपको फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों। ओप्पो के फ़ोन में वीडियो रेजोल्यूशन की बात किया जाए तो मुझे दोनों ही फ़ोन में अपने अपने जगह पर ज़्यादा बेहतर है। कैमरा के फीचर्स क्वालिटी की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे ओप्पो का फ़ोन थोड़ा ज़्यादा निखर के आ रहा है। फ्रेम रेट की बात किया जाए तो यहाँ पे डिसअपॉइंट करता है ओप्पो का फ़ोन। डिटेलिंग मामले में ओप्पो का फ़ोन ज़्यादा बेहतर निकल के आ रहा है दोस्तों। तो ये 40,000 का फ़ोन है दोस्तों। दोनों फ़ोन में से आपको अब बैटरी की बात किया जाए तो दोनों ही में आपको 46 mAh का बैटरी है। दोनों ही फ़ोन में 80-80 वाट का फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है। तो दोनों का प्राइसिंग लगभग सेम है आपको 40,000 के प्राइस में। तो दोनों फ़ोन में से कौन सा बेहतर लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा। मुझे डिस्प्ले के मामले में वीवो का फ़ोन ज़्यादा बेहतर लगा, और कैमरा में डिटेलिंग में और थोड़ा सा कुछ फीचर्स के मामले में ओप्पो का फ़ोन ज़्यादा बेहतर लगा। तो दोनों फ़ोन में से दोनों फ़ोन आप बेहतर ले सकते हैं दोस्तों। आपको कौन सा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।